खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद की तरफ से पार्टी को झटका देते हुए इस्तीफा दे दिया गया है। हमारी संवाददाता शुभ राणा ने राजकुमार आनंद के साथ खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। पार्टी के सर पे मुश्किलों के बादल जो है वो छटने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राजकुमार जी, आप इतने समय से आम आदमी पार्टी के साथ रहे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, मैंने बहुत बार बताया, मैंने परसों अपनी पीसी में भी बताया कल, कि किस तरह से मैं एक दलित समाज से आता हूँ और दलितों के समाज से आने में जब मैं मंत्री बना तो पूरे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई कि ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये कुछ काम करेंगे राजकुमार जी। लेकिन जब मैं काम करने लगा तो मुझे पता लगा कि बाबा साहेब का फोटो लगाने वाली पार्टी दलितों पर काम करने से, दलितों के आरक्षण पर, दलितों की बातों पर, उनके दर्द को समझती नहीं है। जब जब मैंने कहा कि ये करना चाहिए, मैंने कहा कि 13 नेता हमारे राज्यसभा में भेजे गए, मैंने पंजाब में जब बने तब भी कहा कि एक दलित को भेजना चाहिए, जब दिल्ली में गए तब भी बोला एक दलित को भेजना चाहिए, एक भी दलित नहीं है। कहाँ होता है? आप किसी भी स्टेट को दिखा उठा के देख लीजिए कि अगर 20 या 15 राज्यसभा मेंबर किसी स्टेट में है और उसमें एक भी दलित नहीं है। तो ये देखिए, आरक्षण देना राजनीतिक पार्टियों की और सबकी एक संवैधानिक मजबूरी है, वो तो हमें मिलेगा ही। आज अगर मैं दलित नहीं होता तो मुझे कौन MLA का टिकट देता? आज मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि उन्होंने एक आरक्षण दिया, एक व्यवस्था ऐसी बनाई, नहीं तो हमें कोई बस में भी नहीं बिठाने देता, ठीक है? उसके बाद बना तो दिया, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि जहाँ आरक्षण नहीं है, जैसे राज्यसभा में आरक्षण नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज दलित 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 चिल्ला रहा हूँ तो मेरा कोई बाकी समाज से कोई मतलब नहीं है। हम इंक्लूसिव सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, तो दलितों का भी जो प्रोपोर्शनेटली कुछ बनता है तो उनको जरूर देना चाहिए। राजकुमार जी, कल संजय सिंह ने और सौरभ भारद्वाज जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि आप मनीष सिसोदिया नहीं बन सकते, आप अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते, आप ED से डर गए, तो क्या वाकई में ये डर है? देखिए, मेरे लिए संजय सिंह बनना, अरविंद केजरीवाल बनना, मनीष सिसोदिया बनना इतना मायने नहीं रखता जितना मेरे लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के कदमों पे चलना, जितना मेरे को पे बैक टू सोसाइटी में जो मूल मंत्र उन्होंने दिया उस पर ध्यान रखना है। आखिरी सवाल सर, क्या BJP ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ना मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे राजकुमार आनंद जी को, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी हाल फिलहाल के लिए BJP का रुख वो नहीं थामेंगे, लेकिन समय जवाब देगा। मैं शुभ कैमरा पर्सन सुवीर के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मायावती की, जिन्हें